हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आपने लास्ट व्लॉग देखा था वो इसके आगे का ही पार्ट देखा था। यहाँ पे हम लोग खा रहे थे गरम गरम शकरकंद। तो शकरकंद खाने के बाद वर्मा जी का मन हुआ चलो एक एक सिकंजी पी लेते हैं, तो यहाँ पे सिकंजी बनवाया था उन्होंने। तो मैंने तो नहीं पिया था, पापा जी और वर्मा जी ने ही पिया था, मम्मी ने भी नहीं पिया। उनको भी हल्का सा गले में थोड़ा खराश जैसी फील हो रही थी इसीलिए, और ईरा जो है ना बहुत इंटरेस्ट से देख रही थी, तो फिर उसको भी पापा जी ने कहा थोड़ा सा इसको भी टेस्ट करा हैं। तो इसने भी एक सिप किया और इसे भी अच्छा लगा। हम लोग ने शकरकंद खाया, बहुत ही अच्छी थी, गरम गरम शकरकंद उसमें मसाला डाल करके उन्होंने दिया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था खाने में। और गरम गरम मिलता है ठंड के टाइम पे तो वो और अच्छा ही लगता है। सो बस चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। क्या नाम है? सुरेश नाम है। सुरेश नाम है आपका? अच्छा। और बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, बढ़िया शकरकंद बनाते हैं। बिजनौर क्या हर जगह मिलते हैं लोग, मैं बिजनौर में फिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, हेलो, बहुत ही बढ़िया। डाल लेंगे बस, सही डाल दो। हाँ अच्छे से डाल दो, जब बना था बढ़िया बनाया था। डाल दो कोई बात नहीं, मीठा इसमें दे, मीठा नहीं है साहब। मीठी तो वही है, ये मीठी मीठी शकर मीठी थे। हां अच्छा बनाया था पहले तो आपने। नहीं वो टेस्ट बढ़िया था। हम तो हमने खाया भैया, नींबू बस थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं कम नहीं, इस टाइम तो काम है साहब डाउन ही है। कल तो कलर परसों तो ठीक चला था, शनिवार संडे। तो लोग टोटल कितने आ जाते हैं लोग एक दिन में आजकल? कल करा था ये साहब कम से कम 2800-2850 का काम कल काम हुआ। वाह जी वाह। चलो हाँ हाँ पूरी थी। तो पहले हम लोग प्रसाद लेंगे फिर गंगा जी के दर्शन करने चलेंगे। आरती तो हो चुकी है लोग बता रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है इस समय। ये आ गए हैं वर्मा जी गाड़ी पार्क करके। भैया एक आरती दे दीजिए। तो हम लोग आ गए हैं हरिद्वार। और जब हम लोग आए ना तो हम लोग का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग हरिद्वार में रुकेंगे दर्शन करेंगे, बट अचानक से ही बस प्लान बना और हम लोग रुक गए यहाँ पे हरिद्वार घाट पर। और यहाँ पे हर की पौड़ी में हम लोग ने दर्शन किया, बहुत सुंदर दर्शन हुए। और आज ना दीप दिवाली थी, मतलब लोग यहाँ पे बताया जा रहा था कि बहुत सारे मतलब अभी ये दिए जलने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे ड्रोन शो भी हुआ था जिसमें 100 कुछ ड्रोन कैमरे थे, जिससे कि अभी आपको मैं
मैं आगे दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर ऊपर दिए से, मतलब ड्रोन कैमरे से बहुत सुंदर सुंदर, कभी आपको मोदी जी बने दिख रहे थे, कभी हरिद्वार, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, इस तरह से आपको वहाँ पे दर्शन जो है वो ऊपर से बन के मिल रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था आकाश को देखते हुए। और यहाँ पे वर्मा जी और मम्मी दोनों लोग ही गए थे नीचे आरती करने के लिए, मैं ईरा को पकड़ के खड़ी हुई थी। तो अभी ये देखिए दिए आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, थोड़ी देर में यहाँ पे पूरा देव दिवाली मनाई जाएगी, पूरा दिवाली दिए से जगमगा उठेगा ये घाट। सामने भी जो घाट है वहाँ पर भी दिए जल रहे हैं, बट दूर की वजह से कम दिखाई दे रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन दर्शन हम लोगों को बधे थे आज। मतलब दर्शन होता है ना, जब आपको बुलावा आता है तो आप अपने आप ही पहुंच जाते हो, तो वही था आज हमारा भी, कुछ ऐसा ही अच्छा सा दिन। और हम लोगों को यहाँ पे हरिद्वार में बढ़िया दर्शन मिले, आरती हुई। वो देखो आज क्या लाइटिंग का, लाइट का शो रहा है। वो बहुत अच्छा है कि इसमें जो है मतलब कोई प्रदूषण नहीं है और लाइट भी हो रही है, ये कितनी अच्छी बात है। मंदिर बन गया, मंदिर राम मंदिर, ये ड्रोन शो है। देखो देखो क्या बन गया, देखो कलश, देखो कलश स्वास्तिक बना है पीयूष, कृष्ण भगवान है क्या, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, हाँ बद्रीनाथ टेम्पल है ये। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी के राज में हो रहा है ना, मोदी आने से हिंदुत्व। अभी सारे दिए यहाँ पे जलाए जा रहे हैं, आज है दीप दिवाली बता रहे हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था मतलब बाहर, आज ही के दिन यूपी से यूके का नाम रखा गया था उत्तराखंड का। हाँ हाँ हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, ये ड्रोन शो चल रहा है। हमारी पीहू भी दिए जला रही है, ये देखिए। तो यहाँ पे वर्मा जी गंगा जल भर रहे हैं, लेके जाएंगे हम लोग, और सारे दिए जो है वो जल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है इस समय, एकदम नज़ारा बहुत ही प्यारा है।
7 बज गए हैं। बहुत ही मजा आया, फोटो खिंचाया, जल भरा, चाय पिया हम लोगों ने और अभी यहाँ से हम निकलेंगे। दिखाओ इसको। तो बस हम लोग अब यहाँ घाट से जो है वो निकल गए हैं। मुश्किल से हम लोग 2 घंटे रुके होंगे, बहुत लेकिन इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब यहाँ से हम लोग निकले हैं, यहाँ पे एक शॉप थी तो रुक करके यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग भी करी हम लोगों ने। पीहू ने एक बॉल भी खरीदी। बॉल ले लिया? चलो दिखाओ बॉल, वो सामने गाड़ी खड़ी है मम्मी। वेरी नाइस। चलो पीहू को बॉल भी मिल गई, ले लिया। ये दूसरी बॉल लेके आई है। तो अब हम लोग यहाँ से निकले हैं और अब हम सीधे रुकेंगे अपने डिनर के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि काफी देर हो गई है। तो बस गाइज अब इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। कल मिलती हूँ अपने ससुराल व्लॉग के साथ, घर पहुँच करके फिर कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं किया था। मिलूंगी कल। बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।